का चमत्कार देखना चाहते हो? आओ दिखाता हूँ। इन लकीरों पर चलते हुए उस द्वार तक जाओ। जी। अब स्नान करके विक्रम आता ही होगा। अलग कर दो इसे। देख रहे हो? आओ 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 मेरे भाई, तुम्हारा स्वागत है। अब इसे खत्म करने के लिए मुझे इसे काली माँ के मंदिर तक ले जाना होगा। विक्रम, आज से तुम इस महल में एक नया जीवन शुरू करने वाले हो ना, तो क्यों ना हम पहले अपने महल के मंदिर में चलकर माँ काली की पूजा कर लें? हाँ हाँ, अवश्य चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, चल। महाराज का इशारा समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जल्दी जाओ, देखो कोई चूक ना होने पाए। चूक और मुझसे। हाँ, तो समझे कुछ? अब आगे आगे देखना, होता है क्या भाई? देखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो समझेंगे ना। किसी के जीवन में कई सारे मोड़ आते हैं। यहाँ रास्ता भटक जाने का डर हमेशा लगा रहता है, पर हम कभी कभी रास्ता भटक कर सही जगह पर पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ हमारी जरूरत होती है। राजा विक्रम के साथ भी आज कहानी में यही होने वाला है, पर कैसे ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। आपका स्वागत है महाराज। न खोटा कभी बोला, न खोटा कभी तोला, इसमें है बड़ी ही अद्भुत सी चीज, एक अनोखा सा उपहार, समझो जैसे चमत्कार। बस और न पहना वाक्यों के हार, खोल दो इसके द्वार। अरे वाह, कविता बन गई। तुम्हारी अनोखी और अद्भुत सी चीज? हमें तो उड़ने वाले घोड़े देखने हैं महाराज। महाराज, न खोटा कभी बोला, न खोटा कभी तोला, ये घोड़ा सब घोड़ों से अद्भुत है, एक बार सवारी करके तो देखिए। तुमने बहुत देर कर दिया आने में व्यापारी, क्योंकि लकड़ी के घोड़े पर बैठने की उम्र निकल गई महाराज की। कुछ बात तो होगी इस घोड़े में, वरना यह व्यापारी एक मामूली से घोड़े को लेकर यहाँ नहीं आता। चलो देखे तो सही, इस घोड़े में ऐसी कौन सी अनोखी बात है।
घुमाने से ही घोड़े की उड़ने की गति को कम और ज्यादा किया जा सकता है। और ये डंडा समझो इसकी लगाम है और इसे दबाने से घोड़ा उड़ने लगता है, लेकिन इसको अभी दबाना नहीं। अरे अजीब मुसीबत है ये घोड़ा तो। चलो अच्छा हुआ, बला तो टली, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, क्योंकि यहाँ जो आता है वो लौट कर नहीं जाता, बल्कि इसी मिट्टी की खाद बन जाता है। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ उस दूत को जकड़ कर लाओ, जाओ। महाराज एक और तुम लोग अनेक, बहुत गलत बात है ये। चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। इंद्रदूत? इंद्रदूत? मैं कोई इंद्रदूत नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? और ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो रास्ता भटक गया था और यहाँ आ गया, लेकिन ये इंद्रदूत की क्या कहानी है? हम सब यहाँ बहुत शांति से रहते थे और ये जगह स्वर्ग से कम सुंदर नहीं थी, और एक दिन स्वर्ग से ही तो अप्सराएं यहां आई। ब्रह्मा, उस बूटी को छूने